नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। मैं नीरज मिश्रा, लाइव बिहार न्यूज़ चैनल से। आज हम आ गए हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुरशेला पंचायत के उत्तरी मुरादपुर में पंचायत में। ये शख्स जिन्हें आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया जी हुए, अविनाश कुमार सिंह। आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं। 18 से 19 माह हो गए हैं इनको मुखिया बने हुए, और इनको पंचायत चलाने में और यहाँ के कार्य करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और क्या क्या विकास इन्होंने क्या है, आइए सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी पूछा। मुखिया जी, इन 18-19 महीनों में आपने 15वीं और सिस्टम से क्या क्या काम किया है? 15वीं से दो छठ घाट बनवाए जी, दो छठ घाट बन गया। एक पंचायत भवन का जीर्णोद्वार हुआ है। 4 नंबर वार्ड में भी महल का, हवा महल का मरम्मत कराया गया है। 2 कुआं बना है, जो एक कुआं बिहार में टोप किया है जी। एक रोड बनी है 200 फीट का, वो सुंदर बना है। इस पंचायत में 80 सोख्ता बनवाया है। पानी का जो जहाँ जल जमा होता था गरीबों के यहाँ, वहाँ सोख्ता बनवा दिया। सस्तम से भी काम हुआ है जी। क्या क्या काम हुए हैं? सस्तम से हुआ है, हवा महल का मरम्मती हुआ है 2 जगह। उसके बाद सस्तम से एक रोड बनी है, एक से सस्तम से रोड बनी है जी। आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, जो होना चाहिए वो है नहीं। यहाँ पर सिद्ध दिखावा है सरकार को, यानी कि हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं मिलती है, लोग वहाँ जाना भी नहीं चाहते, व्यवस्था ठीक है नहीं सरकार जी। जी यहाँ पे आपके यहाँ पे स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल है, पढ़ाई तो होती है, जो होना चाहिए शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है। इससे लोग आगे बढ़ेगा, जो लोग समझेंगे वो बात वो नहीं रही है, सिर्फ शिक्षा भी यहाँ का दिखावा है। मुखिया जी, यहाँ पे जल नल की क्या स्थिति है आपके पंचायत? जल नल की 90% व्यवस्था ठीक है, पानी लोगों को के घरों पर पहुँची है, उस जगह नहीं पहुँच पाई है। यानी कि मिला जुला के आपके यहाँ व्यवस्था ठीक है जी। जी सॉरी, आपके पंचायत की मूल समस्या क्या है मुखिया जी? मूल समस्या बेरोजगारी है, रोजगार का अभाव है, इसके चलते लोगों को पंजाब दिल्ली जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है लोगों को, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर स्थायी। यानी कि आपके यहाँ की मूल समस्या स्वास्थ्य के लेकर के है और रोजगार को लेकर के है। आपके यहाँ पे जो ये सरकार के नियमों से क्या आप खुश हैं? सरकार का जो नियम है पंचायती राज विभाग का, उससे हम खुश नहीं हैं। टोटल विभाग पर नौकरशाह का दबदबा, मुखिया एक नौकर गुलाम बन के रह गया है, कोई अधिकार को नहीं दिया गया है। ऊपर से सरकार तय करती क्या करना है। जनता वोट दे के मुझे जिताया है, हम गांव गांव के प्रधान हैं, लेकिन मेरी नहीं चलती है, यहाँ की पदाधिकारी क्या चलती चलता है जी। मुखिया जी, आप हमारे चैनल के द्वारा सरकार से क्या रखना चाहते हैं, उनसे कुछ मांग रखना चाहते हैं या उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? रखना चाहते हैं कि पंचायत के प्रधान हम हैं, तो वो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। जनता हमको खोजती है, हमसे रोजगार मांग रही है। आवास का समस्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, महादलितों का घर गिर गया कहीं कहीं। और ये सोलर लाइट और पंचायत राज सरकार भवन के लेकर के आप खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। सोलर लाइट जो लगेगी, ऊपर से थोपा जा रहा है, नकली लाइट लगाया गया इसमें, जिस लाइट का कोई मुराद नहीं है। अब वही लाइट हम लोग लगाते थे, हम पर जाँच बैठती है, ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन लेकर के सरकार के पदाधिकारी मंत्री बैठे हुए हैं। आप हमारे चैनल द्वारा कुछ मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत सरकार से? हम सरकार से यह मांग करेंगे कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर लोगों को स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था सरकार करे, और रोजगार देने का सरकार काम करे। इस गाँव में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, यह गाँव अति पिछड़ों का, मां दलितों का गाँव है, यहाँ कोई काम रोजगार नहीं है। आवास वगैरह सब कुछ के लिए आवास का व्यवस्था से यहाँ चरमरा गया, जिस महादलितों को आवास मिला था वो वहाँ घर रहने के लायक वो घर नहीं रहा। ये थे मुखिया अविनाश कुमार जी उत्तरी मुरादपुर पंचायत के। इनका कहना है कि इनकी जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, इनके अधिकार को इनको दिया जाए। धरातल पे ये हैं, यहाँ की जनता ने इनको चुना है, तो जो भी हिसाब किताब जो काम हो रहा है, जो भी निजीकरण किए गए हैं, वो सबको ख़त्म किया जाए और इनके अधिकार इनको वापस दिए जाएँ। इस चीज़ को लेकर के, प्राइवेसीकरण को लेकर के ये बिल्कुल खुश नहीं हैं। इनकी जनता किसी भी कारण से इनको ही पूछती है,
अंत्येष्टि वगैरह वाला जो योजना जो चल रहा है मुखिया जी, उसके लिए कभी अंत्येष्टि योजना भी एक दिखावा है। मुखिया के पास कुछ है क्या? आज जो आदमी गरीब बीपीएल के अंदर जो मर जाता है, उसको हम लोग 3,000 का देने में भी सक्षम नहीं है। उस खत्म पैसा ही नहीं सरकार डाल रही है। इतना उसको उझड़ा दिया है कि मरने के बाद पहले उसको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। पैसा हम तुरंत कहाँ से दें उसको? हम कभी अंत्येष्टि के लिए दे नहीं पाते हैं। ये कभी अंत्येष्टि की भी इनकी समस्या है, क्योंकि जनता इनको जानती है। अगर किसी के यहाँ पे मृत्यु शव पड़ा रहता है तो वो सीधे पहले इनके पास आते हैं दौड़ करके, और इनको उसका भुगतान नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो प्रावधान यहाँ पे लागू है कि पहले आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दीजिए, उसके बाद पैसा मिलेगा, तो अपने जेब से देना पड़ता होगा आपको मुखिया जी? कहीं का देना पड़ता है। हम तो सक्षम मतलब कि उतना तो हमारे पास कोई गहरी कमाई है नहीं, कहीं कहीं हम गरीब को दे देते हैं। उसके बावजूद भी आपके पंचायत का काफी अच्छा विकास किया हुआ है। आपने पंचायत भवन भी आपका बहुत अच्छा लगा, और ये जो अम्बेडकर का जो मूर्ति बनवा रहे हैं, ये भी क्या आप अपने तरफ से बना रहे हैं? सहयोग से बन रहा है, हम उसके संयोजक हैं। यहाँ पंचायत भवन में भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति से लगा रहे हैं। देश रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने संविधान लिखा, जिसने गरीबों को देश में जगाने का काम किया, वैज्ञानिक शिक्षा देने का काम किया है, इसी पंचायत में शहीद स्मारक बनवाया है भगत सिंह के नाम से, भगत सिंह की मूर्ति लगाया है उसमें। टोटल इस क्षेत्र का जो शहीद हुआ आंदोलन में, क्रांति में, इसका भी नामकरण किया है। क्या आपका भी पंचायत कटाव रहित कटाव क्षेत्र में आता है? मेरा पंचायत कटाव क्षेत्र में नहीं आता, कटाव से दूर है। जी, ये थे मुखिया अविनाश कुमार सिंह जी, उत्तरी मुरादपुर के मुखिया, उत्तरी मुरादपुर पंचायत के मुखिया। इनकी इतनी समस्या आने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने पंचायत को सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो हमारे चैनल के द्वारा मंत्री जी सुने और इनकी मांगों पे ध्यान दिया जाए। मैं नीरज मिश्रा, कैमरामैन गौरव के साथ, बिहार न्यूज़।